गाइस आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का नाश्ता बनाते हैं। छुट्टी का दिन है और कल जो मैंने कीमा बनाया था वो और पराठे बनाऊंगी मैं अभी, तो चलें किचन में चलते हैं। गाइस छुट्टी का दिन है तो मैंने कहा जो कल जो मैंने कीमा बनाया था भुना हुआ वो मेरा बच गया था थोड़ा सा। आपको पता है छोटी फैमिली है बच्चों की, तो मैंने कहा कीमा पराठा आज जो है ना नाश्ते में कराती हूँ सबको, तो मज़ा आ जाएगा भाई। चले ये पराठे हमारे रेडी हो रहे हैं बड़े मज़ेदार से कीमे के साथ, और सब नाश्ते का ना इंतज़ार कर रहे हैं, बस जल्दी से मम्मा जो है ना रेडी कर लें। इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूंगी जल्दी जल्दी से। ये देखें सूरज सा पराठा हमारा। गाइस आपको पता है कि मुस्तैन जो है ना जब नाश्ता कर लेते हैं तो लंच थोड़ा देर से मांगते हैं कि नहीं अभी नहीं अभी, तो मैंने लंच किया है तो अभी 12:30 हो रहा है और आपको पता है छुट्टी के दिन तो देर से ही सब उठते हैं। लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से सुबह ही उठ जाते हैं और मुस्तैन उठते हैं 12:30 तक उठ जाते हैं, तो ये देखें 12 तक उठ जाते हैं। तो अब उनके मैंने कहा कीमा पराठा होगा तो देर तक फिर खाना देर तक ही मांगेंगे सब। तो फाइनली जो है ना नाश्ता हमारा रेडी हो गया। ये ज़बरदस्त से पराठे हैं मेरे और ये ज़बरदस्त सा कीमा है और ये देखें मेरी चाय और मुस्तैन की चाय है। और चलें जी बच्चे भी वेट कर रहे हैं और सब मुस्तैन भी वेट कर रहे हैं, तो चाय। चलें जी ये साफ हो गया है और अच्छे से गाइस इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। जितना आपको जो है ना चिकन रेडी करना है उसी हिसाब से जो है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। ये देखें चलें जी ये अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है और अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। सही है जी। और अभी सारे मसाले डाल देती हूँ मैं और 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है जी। जी ये देखिए थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है और मोहम्मद अली पीछे से बहुत शोर कर रहे हैं। और ये वाला जो है ना मैंने वाइट सॉस डाला। ठीक है जी। जी ये मैं चीज़ भी डाल रही हूँ और ओरिगानो ऊपर से डालूंगी। ये देखें जी। ठीक है जी तो चिकन रेडी करते हैं हम लोग। ठीक है जी। 1 चम्मच जो है ना बस सिर्फ 1 चम्मच खाने का जो है ना मैंने नमक डाला है और कुछ भी नहीं। और जो सब्ज़ी आपको डालनी है वो डालिएगा, जो मेरे बच्चे खा सकते हैं मैं वो डाल रही हूँ। ठीक है जी। बन को भी खाते नहीं हैं बच्चे, लेकिन फिर भी मैं ज़ाहिर बात है आपको पता है चिकन पॉकेट में तो थोड़ा सा जो है ना कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो डालनी पड़ती हैं। ये देखें ठीक है। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है, बन गोभी है और हरी प्याज है जी। चलें बच्चों ने जो है ना कीमा पराठा तो खा लिया, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा ये भी बना दूं तो थोड़ा पेट उनका जो है ना भर जाएगा। तो आप लोग रमज़ानों के लिए बनाएं, बहुत मज़े के बच्चे शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से ही खाएंगे और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए
जी गाइस देखिए फाइनली जो है ना मैंने ज़बरदस्ती ये चिकन रेडी कर लिए, तो चलें जी अब हम बनाते हैं। गाइस ये देखें ये ब्रेड मैंने ले ली है, और कोई भी आप गोल सा जो है ना वो ले लें, ढक्कन ले लें या कोई भी गोल आपके पास कटर हो वो ले लें, तो उस कटर के हिसाब से जो है ना मैं ये काट लूँगी गोल। चलें काटते हैं। देखिए गाइस ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और ये देखिए जी ये देखें ये मैंने जो है ना ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं। देखें गाइस ये मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, थोड़ा सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं, मेरी काली मिर्चें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब मैं हल्की सी जो है बिल्कुल मामूली सी रेड मिर्चें भी डाल दूँगी लाल वाली, और चलें इसको फेंटते हैं उसके बाद जो है ना। देखिए मैंने ये सारी जो है ना ब्रेड्स के जो है ना वो बना लिए हैं पॉकेट्स, ये देखें सही है। अब इनको हम फ्राई करेंगे एग में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में डिप करके, तो चलें जी। ये देखें ऑयल मेरा गरम हो गया है, बिस्मिल्लाह डाल दिया। ये जी दूसरा वाला भी जो है ना इसी तरह करना है, और सारे ही इसी तरह करके आपने इसमें डाल चलें जी निकालते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, और ये देखिए फूल चुकी हैं, ज़बरदस्त सी लग रही है। नहीं जी निकाल लेते हैं सारे। चले गाइस मोहम्मद अली जो है ना बस शोर मचा रहे हैं, भाइयों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। गाइस ये देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी चिकन पॉकेट्स रेडी हो चुके हैं, और अब मैं इसको कट लगाऊंगी बीच में से। ये देखें जी, और इसको अंदर से फिल करेंगे, अभी बहुत गर्म सी हो रही है। चलें जी ठीक है गाइस ये मैंने सारे जो है ना कट लगा लिए हैं, और ज़बरदस्त से हमारे चिकन पॉकेट्स रेडी हो गए हैं, और अब मैं फिल करूंगी इसके अंदर ये सारा मसाला जो मैंने बनाया है। जी गाइस देखें फाइनली जो है ना मैंने ज़बरदस्ती ये चिकन रेडी कर लिए, तो चलें जी अब हम बनाते हैं। देखें गाइस ये मेरे चिकन पॉकेट्स रेडी हो चुके हैं, चलें अब डिश आउट करते हैं। जिस डिश के अंदर मुझे जो है ना सर्व करना है वो डिश निकाल लेते हैं, और ये कितनी यम्मी और कितने मज़े की लग रही है। आप लोग भी घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। ये देखें मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाई है, और बंद गोभी को हल्का सा मैंने जो है ना पका लिया था इसलिए कि ताकि नरम पड़ जाए, और अगर मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं डालती तो कोई सब्ज़ी ऐसी थी नहीं कि मैं इसमें डालती, फिर हरी प्याज ही खाली और गाजर मुझे डालनी पड़ती। तो ये देखें ये मैंने हल्का हल्का सा जो है ना इसको पका लिया था, तो ये अंदर चली गई, और ये चीज़ के साथ बहुत यम्मी बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ानों में अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये देखें चीज़ी चीज़ी सी चिकन है ये मेरी, बहुत मज़े की बहुत यम्मी, जिसका दिल चाहे जैसे बड़े खा रहे हैं तो फिर क्रिस्पी और क्रंची होने चाहिए, तो आप बंद गोभी को जो है ना ऐसे ही डाल दें, उसको आप पकाएं नहीं हल्के हल्के से भी, ये बच्चों के हिसाब से मैंने बनाई है। गाइज़ ये देखें हमारी चिकन पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं, बहुत यम्मी बहुत मज़े की, और बच्चों को भूख लग रही है।
आए हुए, तो मैंने कहा फेशियल वगैरह करवा लें, कुछ नए के पेडिक्योर करवा लें, तो रमज़ान आ रहे हैं, कुछ अपने आप को भी देख लें। तो चलें जी, और जी यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, फिर भी मैं थोड़ी सी जी गाइस, हम लोग जो है ना फेशियल करा के मैं आ चुकी हूँ। तो रास्ते से हमने यहाँ से ना पुलाव लेना है, और बहुत मज़े का इनका पुलाव होता है। तो चले जी, पुलाव लेके घर जाएंगे और वही खाएंगे अभी हम लोग। और मैं रात में ना अरम उठे हुए हैं और अरम को लग रही है भूख, तो हमने मंगवा लिया है पिज़्ज़ा ज़बरदस्त। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है। चलें जी, अरम पेपर का आप याद कर रहे हैं जी? जी, पेपर की तैयारी हो रही है, भूख भी लग रही है। ओह,